नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे तो जैसा कि आप लोगों को पता है आपका ये सुपर ट्वेंटी बैच चल रहा है उसमें आज एग्रीकल्चर की क्लास होगी तो सभी लोग क्लास में आ जाइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए जिससे जो साथी छूट गए हों वो भी क्लास में आ जाएँ तो आज के इस क्लास में आपके एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेलाइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें चलिए तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आज ये क्वेश्चन है आपके तो ये आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है तो एग्रोनॉमी जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है बी ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत को कितने कृषि परिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है तो भारत को 21 परिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है नेक्स्ट है आपका भूमि की नमी मापी जाती है भूमि की नमी किससे मापी जाती है तो ये टेंसियोमीटर से मापी जाती है एक मिनट टेंसियोमीटर से मापी जाती है गेहूं की से पहली सिंचाई किस अवस्था पर देनी चाहिए तो ये सियारे स्टेज पर सियारा स्टेज पर यहाँ पे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दे रहे हैं तो ये आपका है जिस जिसको जिसका आंसर पता है वो लोग आंसर करते चलेंगे गेहूं का दाना कहलाता है गेहूं का दाना क्या कहलाता है तो गेहूं का दाना कैरिया कहलाता है गेहूं के दाने को कैरियाफिश कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सोयाबीन की किस्म नहीं है तो इसमें से सोयाबीन की किस्म कौन सी नहीं है इसमें ये पूछा है सोयाबीन की किस्म है सोयाबीन की किस्म में अलंकार है सोयाबीन की किस्म बाकी ये सब सोयाबीन की नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शीड प्लांट टेक्निक किस फसल में अपनाई जाती है शीड प्लांट टेक्निक किस फसल में अपनाई जाती है तो सीड प्लांट टेक्निक जो होती है वो आलू में अपनाई जाती है आलू में अपनाई जाती है इसको एस बोलते हैं इंग्लिश में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जूट के रेशे को सड़ाने के लिए पानी का तापमान उत्तम माना जाता है तो ये जूस का रेशा सड़ाने के लिए पानी का तापमान उत्तम माना जाता है थर्टी फोर डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में खुला था वो है कहाँ पे है तो ये कहाँ पे है आप लोग जिसको जो पता है वो लोग आंसर करते चलेंगे तो ये कहाँ पे है ये है आपका गोविंद बल्लम पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर नैनीताल ने में नेक्स्ट है आपका भारत को कितने परिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है भारत को कितने परिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है तो पाँच इकोलॉजिकल क्षेत्र पूछा है यहाँ पे तो ये आपका राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है तो ये कहाँ पे है ये है आपका झांसी में आप लोगों को अगर ये सही नहीं दिख रहा हो तो आप लोग थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिए वैसे सही दिख रहा होगा अगर बाई चांस सही नहीं दिख रहा है तो थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिए एक से दो पे कर लीजिए फिर क्लियर देखने लगेगा ये आपका गेहूँ के दाने में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है गेहूँ के दाने में जो नाइट्रोजन होता है वो ग्लूटिन के रूप में पाया जाता है किसके रूप में ग्लूटिन के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों का फल कहलाता है तो सरसों का फल जो होता है वो सिलकुआ कहलाता है सिलकुआ सी ऑप्शन से हो जाएगा नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है कौन सी नकदी फसल है ये पूछा है इसमें तो इसमें से जो मूंगफली है मूंगफली जो है वो नकदी फसल है नेक्स्ट है आपका गन्ने के टुकड़ों को बोने से पहले किस रसायन से उपचारित किया जाता है तो गन्ने के टुकड़ों को उपचारित करने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है एग्लाल बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका एग्लाल का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट है आपका सिक्स रो बारले का वानस्पतिक नाम है सिक्स रो बारले का वानस्पतिक नाम क्या है तो यह हार्डियम बलगेयर हार्डियम बलगेयर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है बर्शीम का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है तो सब लोगों को पता होगा इजिप्ट में नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी फसल में खैरा रोग खैरा रोग लगता है तो खैरा रोग जो है वो धान में लगता है जिंक की कमी से होता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये धान की फसल में गंदी बग आक्रमण करता है धान की फसल में गंदी बग दाना शक्त पड़ते समय आक्रमण करता है डी ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग जल्दी जल्दी इसके आंसर करते चलिए मूंगफली का उत्पत्ति स्थान है मूंगफली का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है तो ये है आपका ब्राज़ील में उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अभी तक मैंने जितनी क्लासेस ले ली हैं वो सब क्वेश्चंस आप लोगों ने तैयार कर लिए होंगे और आप लोग डेली का डेली तैयार करते चलिए जो नहीं कर रहे हैं उनसे भी हम कहेंगे कि डेली का डेली तैयार करते चलिए क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है अगर डेली का डेली तैयार नहीं करोगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा पिछड़ जाओगे इसलिए हम कहते हैं कि डेली का डेली तैयार करो डेली आपकी क्लास होती है डेली आप लोग क्लास में आइए और जितने क्वेश्चन कराए जाते हैं उन सबको तैयार करिए और पिछला जो चुके हो, रिवीजन करिए बहुत जरूरी है तो ये मूंगफली का उत्पत्ति स्थान ब्राजील हो गया उर्द का उत्पत्ति स्थान कहां है इसमें आपके सौ क्वेश्चन कराए जाएंगे इसलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं थोड़ा टाइम कम लगे इसमें एग्रीकल्चर में समझाने के लिए तो कुछ होता नहीं है केवल क्वेश्चन के सीधे आंसर बताने अगर कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं उर्द का उत्पत्ति स्थान है तो उर्द का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है भारत उर्द का उत्पत्ति स्थान भारत ए ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट है गन्ने की वृद्धि के लिए कितने उपयुक्त तापक्रम आवश्यकता होती है तो गन्ने की वृद्धि के लिए पच्चीस से तीस डिग्री सेल्सियस सी ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आलू का वॉट नेम आलू का वॉट निकल सबको पता होगा फटाफट आंसर करिए इसका शोलेनम ट्यूबरोशम नेक्स्ट है ट्रेटिकल एक संकरण है ट्रेटिकल किसका क्रॉस है गेहूं और राई का नेक्स्ट है कल्याण सोना निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है कल्याण सोना निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है तो कल्याण सोना जो है वो गेहूं की किस्म है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मार्कोनी गेहूं का बॉटनिकल नेम है मार्कोनी गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या है ट्रेटिकम ड्यूरम नेक्स्ट है लेंस एस्कुलेंटा किस फसल का वानस्पतिक नाम है तो ये मूंग का है नहीं मशहूर का है लेंस एस्कुलेंटा किसका होता है मशहूर का डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी लंबी अवधि का प्रकाश चाहने वाली चाहने वाला पौधा नहीं है मतलब डे प्लांट कौन सा नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जई नेक्स्ट है आलू में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था है आलू में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है पच्चीस परसेंट कंद बनते समय बी ऑप्शन सही होगा इसका नेक्स्ट है धान में कितने पुंगश्वर पाए जाते हैं धान में कितने पुंगश्वर पाए जाते हैं तो धान में छः पुंकेश्र पाए जाते हैं नेक्स्ट है आर्केल किस फसल की है आर्केल किस फसल की है तो आरकेल जो है वो मटर की किस्म है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अमेरिका की है अमेरिकी कपास पूछा है इसमें अमेरिकी कपास का साइंटिफिक नेम क्या होता है तो इसका साइंटिफिक नेम होता है गोशिपियम बी ऑप्शन से होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चुकंदर किस कुल से संबंधित है चुकंदर की, की फैमिली कौन सी है सब लोगों को पता होगा तो चुकंदर की फैमिली है चीनो चीनों पौड़ी ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सोयाबीन में कितने किलोग्राम पर एक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है सोयाबीन में कितने किलोग्राम पर एक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है तो ये पड़ती है सत्तर से अस्सी सत्तर से अस्सी किलोग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन में प्रोटीन परसेंटेज सोयाबीन में प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है चालीस परसेंट और ऑयल बीस परसेंट होता है एच सेवन 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 किस फसल की किस्म है एच सेवन 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 धान की किस्म है? सॉरी धान की नहीं है ये कपास की किस्म है सी ऑप्शन सही होगा इसका नेक्स्ट है भारत की फसल सघनता है भारत की फसल सघनता कितनी है तो ये है एक सौ पैंतीस परसेंट एक सौ पैंतीस परसेंट बी ऑप्शन सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुफरी सिंदूरी आलू की कैसी किस्म तो किस किस है? किस है तो कुफरी सिंदूरी आलू की पछेती किस्म है बी ऑप्शन सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डेसी न्यूरा लाइनाई किसका पीड़क कीट है डेसी न्यूरा लाइनाई किस का पीड़क कीट है तो यह है अलसी का सी ऑप्शन सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सरसों में जिप्सम किस एक की पूर्ति के लिए दिया जाता है तो सरसों में जो जिप्सम दिया जाता है वो किसकी पूर्ति के लिए दिया जाता है ये गंधक के लिए गंधक की पूर्ति के लिए नेक्स्ट है रोपड़ विधि द्वारा बासमती धान की बीज दर होती है रोपड़ विधि द्वारा बासमती धान की बीज दर कितनी होती है पैंतीस से चालीस किलोग्राम पर हेक्टेयर बी ऑप्शन सही होगा नेक्स्ट है अपेक्षित खरपतवार है अपेक्षित खरपतवार क्या होता है तो अपेक्षित करपतवार क्या होता है किसी फसल में अन्य फसल का पौधा उगाना किसी फसल में अन्य फसल का पौधा उगाना अपेक्षित करपतवार कहलाता है चिप्सोना किसकी प्रजाति है तो सब लोगों को पता होगा चिप्सोना जो है वो आलू की प्रजाति है बहुत बढ़िया वेरायटी होती है चिप्सोना और ये चिप्स बनाने के लिए प्रयोग की जाती है ये है आपका दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्त्रीकरण होता है दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्त्रीकरण होता है तो ये राइजोबियम द्वारा रायजोबियम द्वारा नेक्स्ट है आपका धान में धान के पौधों में पे निकल बनने की क्रिया आती है धान के पौधे में पे निकल बनने की क्रिया कब आती है रोपाई के तुरंत बाद अधिकतम कल्ले बनते बनने के बाद कैलेथ के, के बाद या रोपाई के बाद कभी भी तो ये कब आती है कैलैथ के, के बाद कैलेथ के, के बाद सी ऑप्शन जी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है मक्के के पौधे में सिल्क पहले निकलता है टैसल पहले निकलता है उपरोक्त दोनों साथ निकलते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं तो मक्के के पौधे में टेसल पहले निकलता है टेसल पहले निकलता है बी ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्रीकल्चर निम्नलिखित में से किस शब्द से लिया गया है तो एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन लैटिन शब्द से लिया गया है जिसके बाद में कल्चर आ जाए वो सब लैटिन वर्ड होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने जल कृषि जलवायु क्षेत्र हैं नौ no. सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं तो भारत में पंद्रह कृषि जलवायु क्षेत्र हैं डी ऑप्शन सी हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में तो आपको पता ही है सुपर ट्वेंटी बैच चल रहा है इसकी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं और अभी काफ़ी क्लासेस होंगी जा, जितनी क्लासेस हो चुकी हैं वो सब आप लोगों ने तैयार कर लिए होंगे उम्मीद है और ये डेली का डेली तैयार करते चलिए और डेली जब लाइव क्लास होती है उसी समय सभी लोग आइए अगर लाइव क्लास में नहीं आ पाते हैं तो बाद में क्लास को देख के क्वेश्चन डेली का डेली तैयार करिए एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है कहने का मतलब ये है डेली क्लास देखनी है चलिए आप आगे के क्वेश्चन देखते हैं आगे की आपके कोई दूसरे सब्जेक्ट के वेजिटेबल के क्वेश्चन है ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार में पत्ती बाली सब्जी की कितनी मात्रा प्रतिदिन उपभोग हेतु तो आवश्यक तो होती है तो ये होती है 120 ग्राम डी ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट है पात गोभी का वोट नेम क्या है पात गोभी का वॉट निकलने में क्या है तो इसका है ब्रेशिका और वेराइटी कैपिटाटा नेक्स्ट है पातगोभी का खाए जाने वाला भाग पातगोभी का खाए जाने वाला भाग तो क्या खाया जाता है सीड्स नेक्स्ट है पातगोभी है एक पातगोभी है एक शीत ऋतु की फसल कौन सी ऋतु की फसल शीत ऋतु की फसल नेक्स्ट है पातगोभी की एक हेक्टेयर फसल लेने के लिए पौध रोपण हित आवश्यक बीज की मात्रा होनी चाहिए <coughs> गला खराब हो गया है थोड़ा सॉरी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 400 से 500 ग्राम नेक्स्ट है सर्वाधिक पुरातत्व उद्यान है तो ये कहां पे रसोई उद्यान रसोई उद्यान नेक्स्ट है कौन सी सब्जी मुख्य रूप से हरित ग्रह के अंदर सफलतापूर्वक उगाई जाती है तो इसमें है खीरा हरित ग्रह या ग्रीन हाउस बोलते हैं नेक्स्ट है कुआरी किस सब्जी की उन्नत वैरायटी है कुआरी किसकी वैरायटी है तो यह है फूल गोभी की सी ऑप्शन सी हो जाएगा पात गोभी की पछेती किस्म है पात गोभी की पछेती किस्म कौन सी है तो यह पूषा ड्रम हेड पूषा ड्रम हेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फूल गोभी को वानस्पतिक रूप से किस नाम से जाना जाता है फूल गोभी को वानस्पतिक रूप से किस नाम से जाना जाता है तो इसको जाना जाता है ब्रैशिका लेश वेरायटी बोटराइटिश पातगोभी का, बोटर पात का मूल स्थान पातगोभी का मूल स्थान कहाँ पे है तो ये है भूमध सागरी क्षेत्र इटली जितनी कुल क्रॉप्स हैं सभी का ओरिजिन प्लेस भूमद सागरी क्षेत्र इटली है नेक्स्ट है सितंबर किस फसल की वैरायटी है शो सितंबर किस फसल की वैरायटी है सभी लोग आंसर कर दीजिए इसका सितंबर जो है वो पात गोभी की वैरायटी है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सी फूल गोभी की अगेती किस्म है फूल गोभी की अगेती किस्म पूषा केत की नेक्स्ट है डायमंड बैकमौत नामक कीट किस सब्जी का है तो यह है फूल गोभी का गांठ गोभी की फसल के लिए पौध रोपण हेतु तो बीज की मात्रा होनी चाहिए एक से डेढ़ किलोग्राम नेक्स्ट है गांठ गोभी की पछेती पकने वाली किस्म है तो ये कौन सी किस्म है पर्पल बियना नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्राउट ब्रोकली का जन्म स्थान है स्प्राउट ब्रोकली का जन्म स्थान कहाँ पे इटली में मैंने आपको बताया जितने भी कोल्ड क्रॉप्स हैं सभी का इटली है मोहम्मद सागरी क्षेत्र इटली नेक्स्ट है केंद्रीय आलू अनुसंधान सी शिमला हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी मतलब सी जो है वो शिमला में स्थित है इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा है तो इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस में नेक्स्ट है वानस्पतिक रूप से ब्रुसेल्स स्प्राउट है वानस्पतिक रूप से ब्रुसेल्स स्प्राउट है वेराइटी गेमी फेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंगन या एग प्लांट के फल में कड़वाहट का कारण बैंगन को ये एग प्लांट बोलते हैं इसके फल में कड़वाहट का कारण क्या होता है गिलायको एल्किलाइड भी ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट है बैंगन की फसल में लघु पत्ती बीमारी या लिटिल लीफ बीमारी किसके कारण होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी में पूछा गया है तो आप सभी लोगों को यह आंसर पता होना चाहिए बैंगन में जो लिटिल लीफ होता है वो माइकोप्लाजमा से होता है माइकोप्लाज्मा ये ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट है मिर्च में चरपराहट का कारण है मिर्च में चरपराहट का कारण क्या है कैप्शेसियन मिर्च में चरपराट का, का कारण कैप्शियशियन ये ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट है टमाटर का उद्भव केंद्र है टमाटर का उद्भव केंद्र कहाँ पे है पेरू व मैक्सिको में नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त मृदा में पी मान होना चाहिए टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त मृदा में पी मान कितना होना चाहिए यह होना चाहिए सिक्स पॉइंट सेवन टू सेवन ये ऑप्शन जी हो जाएगा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सब्जी में प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है प्रोटीन की अधिकता कौन सी सब्जी में पाई जाती है ये पाई जाती है मटर और बीन्स में नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता वाली सब्जी है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता वाली सब्जी कौन सी है टेपियो का टेपियो का डी ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सामान्य रूप से तैरता हुआ उद्यान कहाँ पाया जाता है सामान्य रूप से तैरता हुआ उद्यान कहाँ पाया जाता है तो ये जम्मू कश्मीर में नेक्स्ट है आपका अरका मोहिनी किस फसल की उन्नत किस्म है अरका मोहिनी जो है वो किसकी उन्नत वेरायटी है ये इनमें से कोई नहीं डी ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मिर्च का रंग किस बर्ढ़क का कारण है मिर्च का रंग किस बर्ढ़क का कारण है तो ये है के बी ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट है मिर्च की फसल के लिए पौध हेतु बीज बीजदर की आवश्यकता होती है डेढ़ से दो किलोग्राम नेक्स्ट है टमाटर में काय गुड़सूत्र की संख्या होती है टमाटर में काय गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है टू बराबर चौबीस अगला क्वेश्चन देखिए टमाटर है एक टमाटर क्या है टमाटर ग्रीष्म ऋतु की फसल है सी ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हरभजन किस सब्जी का महत्वपूर्ण किस्म है हरभजन जो है वो किसकी महत्वपूर्ण वैरायटी है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है में पूछा गया ये है ओकरा ओकरा या भिंडी की नेक्स्ट है बैंगन किस जाति से संबंधित है मतलब बैंगन की फैमिली कौन सी है फैमिली पूछिए इसमें फैमिली नहीं बैंगन की स्पेसीज पूछिए जाति का मतलब स्पेसीज होता है तो बैंगन की स्पेसीज कौन सी है मेल उनजेना ये ऑप्शन सही हो जाएगा भिंडी का, का जन्म स्थान है भिंडी का जन्म स्थान कहाँ पे है तो यह है दक्षिण अफ्रीका में नेक्स्ट है तो बरसात की फसल लेने हेतु भिंडी के लिए बीज दर आवश्यक है बरसात की फसल के लिए भिंडी की बीज दरती है आठ से -10 दस किलोग्राम सौ ग्राम भिंडी के बीजों में कुल बीजों की संख्या लगभग कितनी होती है तो ये होती है छः सौ ग्राम नहीं छः सौ छः सौ बीजों की संख्या होती है यह भिंडी की किस्म पूसा साबनी किस व्याधि के प्रति सहनशील है तो ये है बाई बी एम बी नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर में बेलूशियम एंड राट किस तत्व की कमी के कारण घटित होता है तो ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण विटामिन सी का अच्छा स्रोत है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है कौन है हरी मिर्च नेक्स्ट है पत्ता गोभी की पहली संश्लेषित किस्म किस वर्ष विकसित की गई तो यह की गई थी उन्नीस सौ बानवे में नेक्स्ट है आलू की किस्म कुफरी बादशाह किस रोग के प्रशयनशील है कुफरी बादशाह किस रोग के प्रशयनशील है तो यह पच्छेती जुलसा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आलू की फसल में प्रकंद बनने बनते समय उपयुक्त तापक्रम होना चाहिए तो कितना तापक्रम होना चाहिए 18 से 20 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आलू की फसल में बोवाई के कितने दिन बाद मिट्टी चढ़ाते हैं तो आलू की फसल में बोवाई के 40 दिन बाद मिट्टी चढ़ाते हैं डी का इसका मतलब है डेज आफ्टर शॉबिंग आलू की फसल के लिए ट्यूबर्स की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है तो कितना ट्यूबर्स चाहिए पच्चीस से तीस क्विंटल डी ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आलू के प्रकंद का बोवाई हेतु तो वजन होना चाहिए तो इसका वजन होना चाहिए तीस से चालीस ग्राम बी ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट है आलू के प्रकंद की शुष्तावस्था की अवधि होती है अवस्था तो की अवधि कितनी होती है तो ये होती है दो से तीन माह नेक्स्ट है आलू के प्रकंद की शोषकतावस्था किस रसायन द्वारा तोड़ी जाती है मतलब डोरमेंसी किस कौन से रसायन से तोड़ी जाती है तो ये तोड़ी जाती है थाय यूरिया से चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं काफ़ी टाइम हो गया अब खत्म करते हैं क्लास को लीफ कर्ल वायरस किस कीट द्वारा फसलों को हानि पहुँचाता है वायरस द्वारा फसलों को हानि पहुंचाता है तो यह है बाइट फ्लाई चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं टमाटर में अर्ली ब्लाइट रोग का कारण है टमाटर में अर्ली ब्लाइट रोग का क्या कारण है तो ये कवक के कारण होता है ये ऑप्शन सी हो जाएगा चलिए आज की आपकी क्लास यहीं पे खत्म होती है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें और ये जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इनको आप लोग डेली का डेली तैयार करते चलिए और डेली आप लोग क्लास में आइए जब क्लास में आप लोगों को कराया जाता है तो उसी के साथ साथ आपको ये तैयार होता जाएगा चलिए अब आप मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम